कूड़ा दूसरे स्टेट को दिल्ली की नहीं, कूड़ा तो दिल्ली का कूड़ा, दिल्ली में ही इनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली का कूड़ा है, कूड़ा तो कहीं पड़ेगा। हमने एक 35 साल पुरानी डिस्पेंसरी लेके आए हैं, मैं लोगों की डिमांड थी, डिस्पेंसरी नहीं थी। हमने अपने प्रभाव से, अपने एफर्ट से इस 14 वार्ड में एक बहुत ही एमसीडी फ्री डिस्पेंसरी बनवाई है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूँ आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं केशवपुर वार्ड के अंतर्गत आने वाले न्यू महावीर नगर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम आए हैं बीजेपी से जो इस बार प्रत्याशी हैं हरीश ओबेरॉय, उनसे बातचीत करने। उनसे बातचीत करेंगे इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है, किन चीजों को लेकर वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बार बीजेपी की क्या तैयारी है कि अगर फिर से एक बार बीजेपी आती है यहाँ पर एमसीडी में तो इस बार वो किन मुद्दों को लेकर काम करेगी। दिल्ली में अभी भी कई खामियां हैं क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों के जरिए पता चलता है किसी के इलाके में सफाई नहीं है, कहीं कचरा पड़ा हुआ है। तो क्या इस बार बीजेपी आने के बाद ये सारी चीजें हट जाएंगी या फिर इस बार बीजेपी की जगह कोई और पार्टी दिल्ली में राज करने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़ते हैं इनसे और देखते रहिए पूरी खबर। तो देखिए, केशवपुर वार्ड 103 जो पड़ता है वहां से बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है हरीश ओबेरॉय जी, वो हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि पदयात्रा चल रही है, चलते चलते ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताएं कि जिस तरीके से अभी आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? देखो, मुद्दे जो है मेन जो है कि कॉर्पोरेशन का जो काम है जी, उसमें सड़कें बनाना, गलियां बनाना, नाले बनाना और जो लाइट्स लगवाना, ये सब पार्षद करते हैं, ये हर पार्षद करता है, उसको काम को उसका एक कर्तव्य है। लेकिन जो एक्सपीरियंस पार्षद होता है, जिसको काम करने का तरीका होता है, जिसको काम करने का जज्बा होता है, वो क्षेत्र के लिए ऐसे नए प्रोजेक्ट लेके आता है जो कि एक वार्ड के अंदर एक यादगार बन जाता है कि इस पार्षद ने हमारे साथ ये लेके आया था। हमारे क्षेत्र में जो है एक म्यूजिकल फाउंटेन है जो कि पिछले कई वर्ष से बंद पड़ा हुआ है, वो हमारे पहले एक्स एमएलए ओपी बब्बर साहब ने बनवाया था, लेकिन मैं उसका है म्यूजिकल फाउंटेन को दोबारा उसको चालू करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक पिकनिक का स्पॉट देना चाहता हूँ, जाके बच्चे जाके वहाँ पर अपना मनोरंजन कर सकें। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो यहाँ की पूर्व निगम पार्षद थी वो भी बीजेपी से ही थी, आज सुबह ही हमने पूरे जो केशवपुर वार्ड है उसका दौरा किया तो वहाँ पर लोगों को बीजेपी से कई शिकायतें, ऐसा क्यों? नहीं, जो आप केशवपुर की बात कर रहे हैं वे वार्ड, इसमें परिसीमन में दो वार्ड इकट्ठे हुए हैं। वार्ड 103 का ही दौरा किया। वार्ड 103 में दो पार्षद थे पहले, एक पार्षद यहाँ की थी, एक पार्षद वहाँ की थी। जहाँ आपको मेरे लगता है जहाँ समस्याओं की जो बात कर रहे हैं वो दूसरे पार्षद की कर रहे हैं, वो भी बीजेपी की पार्षद थी। मैंने आपको बताया है कि पार्षद बहुत सारे हैं, कई पार्षदों का काम करने का तरीका अलग होता है कि बेकार सड़कें गलियां सब बनाते हैं। मैंने अपने वार्ड के अंदर जो ये वार्ड पहले 14S था, आप इसको रेक्टिफाई करें, ये वार्ड पहले 14S था, 103 नहीं था। 14S वार्ड के अंदर हमने एक 35 साल पुरानी डिस्पेंसरी लेके आए हैं, मैं लोगों की डिमांड थी, डिस्पेंसरी नहीं थी। हमने अपने प्रभाव से, अपने एफर्ट से इस 14S वार्ड में एक बहुत ही एमसीडी फ्री डिस्पेंसरी बनवाई है, जिसमें फ्री ट्रीटमेंट होता है, फ्री में डॉक्टर देखते हैं, फ्री में मेडिसिन देते हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट वो हम ऑलरेडी लेके आए हैं। एक NGT ने यहाँ पर जो कहा था कि भाई जितने भी पार्कों में समर्सिबल हैं हम उनको सील कर देंगे, और सील करने जब शुरू हुए उस समय हमने वहाँ पे बोला था कि भाई यहाँ पे जो हमारा वार्ड नंबर 14 है, आप एक नंबर से सील करें, पिक एंड जो चीज़ पॉलिसी नहीं चलेगी। तो वहाँ पे उनको रुकना पड़ा, उन्होंने वहाँ पे एक नंबर वार्ड से सीलिंग शुरू की। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो एक्सपीरियंस जो पार्षद है, बार बार कहता हूँ, ये वही काम करा सकता है। इन द मीन टाइम फिर कोर्ट ने रिलीफ दिया कि जब तक कल्चर, हमने कहा कि जब आप पर्यावरण की बात करते हैं, पेड़ लगाने की बात करते हैं, हरियाली की बात करते हैं, अगर पार्कों में पानी बंद हो जाएगा तो पेड़ यहाँ पर सूख जाएंगे, पार्क सूख जाएंगे, तो पर्यावरण का चिंता का विषय और बढ़ जाएगा। मुझे बताएं, एक मिनट, फिर हमने उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट यही किया है, एक 4.5 लाख लीटर का वाटर टैंक अपने न्यू कृष्णा पार्क अपने वार्ड के अंदर बनाया, जो पानी जो है वो केशवपुर सीवरेज प्लांट से वाटर ट्रीट करके उस टैंक में लाएंगे और बूस्टर के जरिए सारे पार्कों में पानी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एक आइकॉन था MCD के लिए, ये पायलट प्रोजेक्ट था, वो हम अपने वार्ड में 14S में लेके आए हैं। अब वार्ड 103 है, आप कन्फ्यूज़न है आपका, वार्ड 103 नया बना है,
उसमें दो पार्षदों को मिलकर एक पार्षद बने आया है। हो सकता है कि दूसरे वार्ड में आपको कहीं ऐसी कंप्लेंट मिली हो, चौदह इसमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं। चलिए, आपने बड़ा ही लंबा चौड़ा सा आंसर दे दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे ये बताइए, अब लोग पार्टी को देखकर वोट दे, जैसे आप कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस पार्षद है वो अच्छे से काम करते, जो एक्सपीरियंस नहीं फिर बीजेपी उन्हें टिकट क्यों दे रही है? मैंने मेहनत को दोष दिया है नहीं किसी को। अभी आप ही ने कहा ना कि जो एक्सपीरियंस पार्षद है वो अच्छा काम। इनमें से जो अच्छे पार्षद पार्षद तो है, दूसरी पार्टियों के भी हैं, खाली बीजेपी के थोड़ी हैं। मैं यहाँ से तो बीजेपी जीती थी ना पिछली बार, मैं उसका नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपीरियंस पार्षद का मतलब है जिसको काम करने का तरीका, जिसको काम करने का जज्बा, वो 35 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मैं पहले इस राजनीति में रहा हूँ, लोगों के काम कराता रहा हूँ। आई नो हाउ टू गेट द वर्क फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से काम कराना वही समझता है जिसको काम करने का एक्सपीरियंस हो। आई हैव द एक्सपीरियंस, आई विल गेट द डन वर्क डन फॉर द पीपल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आम आदमी पार्टी कई चीज़ों को लेकर जो है दावे कर रही है, उनका कहना है कि अगर वो आएंगे तो जो कूड़े के पहाड़ है वो हट जाएंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कूड़े के पहाड़ आम आदमी पार्टी को अब नजर आए हैं। कूड़े का पहाड़ 15 साल से है। कूड़े का पहाड़ अगर वो कहते हैं, देखो दिल्ली के अंदर लैंड जो है, मैक्सिमम लैंड जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। अगर उन्होंने हमें कोई अल्टरनेट साइट दी हो, देखो दिल्ली का कूड़ा है, कूड़ा तो कहीं पड़ेगा। अगर वो हो दिल्ली में, अगर उन्होंने कोई अल्टरनेट साइट दी हो कि आपका यहाँ पर कूड़ा ज़्यादा डंप हो गया, आप दूसरी जगह डालें, अल्टरनेट साइट तो वही देंगे ना। ये अल्टरनेट दिल्ली सरकार देगी, अल्टरनेट साइट वो दे नहीं रहे और दो चंपे लगा रहे। कूड़ा है, कूड़ा दूसरे स्टेट तो नहीं लेगी, नहीं कूड़ा तो दिल्ली का कूड़ा, दिल्ली में इनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। फिर भी हमने अपने जहाँ डंपिंग साइट है वहाँ पर इसका फर्टिलाइजर प्लांट लगाए हैं, जो आपका मलबा जो गिरता है उसको क्रश करके इंटरलॉकिंग टाइल्स बनवा रहे हैं। आस्था आस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इनको, केजरीवाल सरकार को कहता हूं, अगर इन्होंने हमको अल्टरनेट साइट दी होती तब हम दोषी थे कि आपने यहां कूड़ा उधर क्यों नहीं डाला, इधर क्यों डाला। ये पूरे तो इसमें गलती दिल्ली सरकार की, कहीं सरकार की है। अच्छा, जैसे वो लोग तो दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो हटा देंगे सबको, क्या वो MCD में आते हैं तो कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। कहाँ से हटाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? ये तो जुमले हैं खाली। वहाँ पे तो बहुत कुछ कहते थे, हमने यहाँ पे आएंगे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी जो बनी थी भ्रष्टाचार के नारे के ऊपर बनी थी। भ्रष्टाचार, स्वतंत्र जैन जो है आपका जेल की हवालात में सलाखों में खड़ा है भ्रष्टाचार के ऊपर। पंजाब का इनका हेल्थ मिनिस्टर पकड़ा गया पैसे लेते हुए, उन्होंने उसको वहाँ पे डिसमिस किया मिनिस्टर से, और उसके बाद उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बीच में बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया पार्टी से? दिल्ली के अंदर शराब की नीति ऊपर, जब दिल्ली में कोरोना से लोग मर रहे थे, ये ओबराय होटल में सूट लेके वहाँ पे पैसे देकर लेन देन कर रहे थे, शराब की नीति बना रहे थे। आज शराब के माफिया जो खुल के कह रहे हैं हमने पैसे दिए, हमारी ये नीति वापस क्यों लिया? तो भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी हमें कि वो जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे घर पत्थर नहीं मारते। अच्छा, उन्होंने अभी 10 गारंटी भी ली है कि वो आएंगे तो 10 गारंटी दी है उन्होंने, शिक्षा को लेकर हो, हॉस्पिटल को लेकर हो, सब कुछ में सुधार देखने को मिलेगा। आपको लगा उनकी गारंटी में कुछ सच्चाई है? शिक्षा की नीति आप देखना चाहते हैं, शिक्षा देखना चाहते हैं, MCD के स्कूल देखें? वो खाली प्रचार करते हैं पेपर में जाके, एक प्रिंट मीडिया के अंदर। आप शंकर गार्डन के स्कूल में हमने एक स्कूल बनवाया है, आप जाके वहाँ पे देखें। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, वहाँ पे जाके कुछ सीखेंगे कि स्कूल कैसे होते हैं। एक आखिरी सवाल पूछ लूँ आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपने हमें 1.5 घंटा इंतजार करवाया, उसके बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला। मुझे ये बताएं कि केशवपुर में ही एक डंपिंग यार्ड का जो मामला बहुत ज़्यादा उठता है यहाँ पर, हम भी वहाँ पर 2 बार गए, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? लिए मैंने वहाँ के क्षेत्र के लोगों से कमिटमेंट किया, वहाँ से क्षेत्र के लोगों से कमिटमेंट की है कि इस डंपिंग यार्ड को अल्टरनेट साइट्स देके इसको 100% वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, और मैं उनकी कमिटमेंट है, ये मेरे लिए डू एंड डाई एसोसिएशन होगी। आई विल गेट इट ट्रांसफर, आई विल गेट इट शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्लेस। अच्छा, हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया हमें। हरीश ओबेरॉय जो कि बीजेपी से इस बार खड़े हुए हैं केशवपुर वार्ड 103 से।
अब इनका क्या कुछ कहना था, हमने कुछ बातें की इनसे, क्योंकि ज़्यादा समय तो नहीं है, आपको पता ही है काफ़ी बिजी होते हैं जो नेता होते हैं, तो जितनी बातें हम कर सके उतनी कर ली। हालांकि ये बातें करने के लिए भी हमें यहाँ पर 1.25 घंटे इंतजार करना पड़ा, इस बात में कोई दो राय नहीं। हम 5 बजे से आए थे, 6:15 बजे इन्होंने एंट्री ली और उसके बाद हम इनसे बातचीत कर पाए। तो आपने देखा कि किन मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनाव होने वाला है। बीजेपी का कहना है कि इस बार चुनाव में ये लोग प्रचंड बहुमत से जो है जीत दर्ज करने वाले हैं। हालांकि ये तो जनता ही डिसाइड करेगी और इस बात का फैसला 7 दिसंबर को हम सबको देखने को मिल जाएगा कि जनता की पसंद कौन है। हम दिल्ली के अलग अलग वार्ड्स में जाकर वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों की पहली पसंद कौन है ये तो आप वीडियोस के जरिए देखकर समझ सकते हैं। हालांकि अब देखते हैं कि जो भी वादे बीजेपी कर रही है वो उन पर खरा उतर पाएगी या नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी के जरिए दिल्ली में एक बार MCD में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें ज्यादा नहीं सिर्फ इंतजार करना है 7 दिसंबर का, और 7 दिसंबर ही वो तारीख है जब पता चलेगा कि दिल्ली में इस बार MCD में कौन सी पार्टी राज करने वाली है। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।